Good morning. Thank you. So, what you would like to say after Big Boss office, all you doing party and all because of friends and all? Yeah. Well, I think it's a different vibe and a feeling when you meet people outside the house. So that's been fun. क्योंकि कुछ भी कह लो यार, it's a different freedom that one is experiencing after being on cameras and so many cameras and obviously being scrutinized for everything that you do. So it's been like a fun space to be in, just to interact with everyone outside of the house. Yeah. निवृत्त, कई बार हमने देखा जिस तरह की पार्टीज आपकी हो रही है, सबसे बड़ा सवाल लोगों की तरफ से है कि ये जितनी भी पार्टी मंडली की हो रही है, मंडली का विनर पार्ट नहीं नजर आ रहा है। स्टैंड की बात करें, एमसी स्टैंड को काफी लोग मिस कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाहोगे, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन दैट ही इज नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट पार्टीज एट ऑल? सी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है। सी, इफ यू आस्क मी, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो शायद अपनी कंफर्ट में मिलना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम मिले तो आप लोगों को पता चले। लोगों को लगता है कि शायद वो इतना सोशल नहीं है। ए, आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी का साइड है, जो आप सबने बिग बॉस के घर में भी देखा होगा कि उसको लगता है थोड़ा टाइम टू गेट यूज टू थिंग्स। प्लस ही इज़ ऑल्सो वेरी बिजी गाय, उसका टूर शुरू होने वाला है जिसके लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। सो दैट एंड आई थिंक 4.5 months के बाद जो आपको पता हो कि आपको इंडिया टूर आने वाला है और आप फिर से फैमिली से दूर होने वाले हो, तो आई थिंक सबके लिए प्रायोरिटी यू नो फैमिली रहती है, क्योंकि हम लोग 4.5 महीने एक दूसरे से दूर रहे हैं। बट वेन इट कम्स टू बींग इन टच, लाइक कल भी मेरी स्टैंड से बात हो रही थी, तो हम लोग फ़ोन पर बहुत बात करते हैं या हम लोग एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के घर जाके मिलते हैं। शायद वो एक पैप मोमेंट नहीं हो पाता है, बट वी आर ऑल, वी डू मीट, वी डू चिल, वी डू कनेक्ट। सभी के तो पता चल रहा है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यू नो, आई थिंक कि मेरा काम हमेशा मेरे लिए बोलना चाहिए, और जब तक चीज़ें होती नहीं है तो मुझे लगता है ऐसे नज़र लगती है। बहुत ही स्टूपिड सी फिलॉसफी है, पर बहुत ही इंडियन थॉट प्रोसेस भी है कि जेन्युइनली नज़र लगती है। तो आई जस्ट फील कि यू शुड नेवर टॉक टू मच टू सून। सो एज एंड व्हेन थिंग्स हैपन, आई विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू रिफ्रेन एट दिस पॉइंट। निम्नलिखित एक बात मैं पूछना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग आफ्टर द बिग बॉस हाउस। आपने बिग बॉस के घर पे मेंटल हेल्थ को लेकर जो मुद्दा उठाया था, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था। एंड द सेकेंड मोमेंट, आई हैड अ इंटरव्यू विद योर मॉम, शी टोल्ड वी हैड अ ब्रेव गर्ल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल। और इस तरह का मुद्दा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर उठाना जिसको काफ़ी लोगों को आप पे लाइक अच्छा लगा और काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय कि इफ आई टॉक अबाउट दिस शुड आई मोटिवेट द पीपल, और जिस तरह वो फीलिंग होती है, और स्पेशली उसके बाद शिव ठाकरे ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया वो भी काफ़ी अच्छे, एक जेन्युइन प्योर फ्रेंडशिप है ना वैसे। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? तो सबसे पहले तो मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया था, लाइक आई नो, लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट मैंने कभी किसी इंटेंशन से वो डिस्कशन भी नहीं करी थी, बिकॉज आई डोंट नो आपने वो क्लिप देखा था या नहीं। आई वॉज जेन्युइनली नॉट फीलिंग वेल, और मैंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी किया था और पूछा भी था कि बिग बॉस क्या सिर्फ आपके और मेरे बीच में बात हो सकती है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब आप उस घर में चले जाते हो तो सब कुछ एक कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता है, एंड एवरीबडी इज़ यू नो एवरीथिंग इज़ फॉर द पब्लिक टू वॉच। बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहती थी जहाँ मुझे साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़े, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन बिफोर। तो जब मैंने बिग बॉस से बात भी करी थी, उन्होंने बोला था प्लीज़ आप ये बात यहीं रहेगी ना, दैट वॉज माई वे ऑफ ट्राइंग दैट दैट कॉन्वर्सेशन डजेंट रियली गो आउट, बट इट डिड, विच आई एम ग्लैड इट डिड, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ ऑब्वियसली क्लोज टू माई हार्ट, एंड इट इज़ समथिंग जिसके बारे में मैंने हमेशा बहुत वोकल रही हूँ। आई रिमेम्बर मैं बहुत ज़्यादा, अभी भी नई हूँ इंडस्ट्री में, बट जब बिल्कुल नई थी तब भी लोगों ने बोला था कि इसके बारे में बात करोगे तो यू नो पीपल विल प्रॉब्ली नॉट टेक यू सीरियसली, और दे विल फील लाइक इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद यू, विच आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। एंड मुझे पता है कि जब मैं उस सिचुएशन से यू नो गुजर रही थी, तो आई
would see a Deepika who has been, you know, vocal about it, and I would find inspiration in her. So जाने अनजाने में अगर मैंने लोगों को हेल्प करी है तो आई लव दैट, बट इट इज़ डेफिनेटली अ कॉज जिसको लेकर मैं अपनी एफर्ट्स अपनी लाइफ में डालना चाहूँगी इन द फ्यूचर, एंड यू विल सी दैट टू दैट आई विल वर्क टूवर्ड्स दिस कॉज बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट. पर्सनली मेरे को भी काफ़ी इंस्पायर किया मैंने जो देखा था वो एपिसोड. इसके अलावा निमृत, जब से एक आइकॉनिक सीरियल में आप पार्ट थे, आइकॉनिक किरदार था आप स्पेशली, आज भी लोग आपको उसी किरदार से पसंद करते हैं. मैं लोगों से मैं जब बात करता हूँ वो किरदार आपको अभी भी प्यार करते हैं. वॉट अबाउट द टेलीविजन पार्ट, इफ यू एवर गेट अ चांस टू कम बैक इन टू द टेलीविजन. मूवीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है निमृत, जब से आपने सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा की आपको मूवी साइन की, आप कितना इस बात पे कितना सच्चाई आपसे जानना चाहूँगा. सी आई डोंट नो इफ यू सॉ द एकता कपूर एपिसोड, मैम ने डेफिनेटली ऑफर तो किया है, बट यू नो लाइक आई सेड आई वुड नेवर से नो टू वर्क एवर एज लॉन्ग एज आई लव व्हाट आई एम डूइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा मीडियम है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज वो बैरियर ब्रेक हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे टीवी नहीं करना या मुझे सिर्फ ये करना है. आई एम जस्ट समवन हु इज़ वेरी हंग्री टू ट्राई न्यू थिंग्स. मेरे लिए यू नो लोग सक्सेस को देखने का बहुत अलग अलग तरीका होता है. लाइक सम पीपल रन आफ्टर मनी, सम पीपल वॉन्ट कि अच्छा हमारा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे एस्पिरेशन होना सही है. मेरे शायद वैसे नहीं है. मेरे को होता है कि मुझे इस डायरेक्शन में ग्रो करना है एज एन एक्टर, या मुझे क्रिएटिवली अपने आप को सराउंड करना है उन लोगों के साथ जिनसे मेरी ग्रोथ हो सके. सो माई आई थिंक वे ऑफ लुकिंग लाइफ इज लुकिंग एट लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, बट आई वुड नेवर से नेवर. अच्छा स्क्रिप्ट हो कहीं के लिए भी हो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ. एकता जी ने जब आपको ऑफर किया, एक छोटा सा ट्रायल भी हुआ था उस घर पे, अगर करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, आपने तुरंत हाँ बोला. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, जो सो इट वॉज बेसिकली स्निपेट्स. हम सब लोगों को एक्चुअली पहले से ही टास्क दिया गया था कि आपको ये प्रिपेयर करना है, एंड यूजुअली वीकेंड के बाद पे फन सेगमेंट्स होते हैं तो इम्प्रोव्स हम लोग कर लेते थे. हमें नहीं पता था कि एकता मैम आने वाली है और वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करने वाली है. बट इट्स समथिंग वेरी सिंपल, इफ टुमारो एकता कपूर सेज दैट आई वॉन्ट यू इन माई फिल्म, वॉट वुड योर रिएक्शन बी? So, I think that was just my honest reaction. Ekta Kapoor ji ka ek show bhi hai, Lock Up 2 ki main baat kar raha hu, kaafi charcha ho rahi hai. And jab se aapne haan bola hai to social media pe ke Lock Up 2 mein bhi aapko kahi had tak nazar aa sakte hai. Isme mujhe nahi pata main kahan ka nazar aa rahi hu, par mujhe bhi bata do. Sachcha hi agar aapko show offer hota hai Lock Up 1 Munawar jeete de, aapne dekha rahe bro 4.5 months main ek piece mein wapas aa gayi hu, mere ko bilkul ichcha nahi hai apne aap ko fir se lock karne ki. No. बहुत सही बातें सुनी देखी, बट फिर मुझे लगता है कि इट वॉज अ गेम. उस गेम की आड़ में जिसको जो बोलना था, जिसने जो करना था वो हो गया. आई डोंट थिंक अननेसेसरीली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेकर कंटिन्यू करना, दिल में वो बातें रखना का कोई पॉइंट है. ट्रोलिंग इज़ द कल्चर टुडे एंड आई कीप गेटिंग ट्रोल्ड, सो आई एम लाइक ग्रेट. सो कोई अगर अपना वक्त निकाल के मुझे ट्रोल करने का भी एफर्ट ले रहा है तो थैंक यू, आई नो आई एम वर्थ इट. यार सच कहूँ तो मुझे काम किसी के साथ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एड बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद एनी वन एज लॉन्ग एज अ प्रोजेक्ट इज़ गुड. आई डोंट थिंक कि पर्सनल इक्वेशंस प्रोफेशनल स्पेस में कभी भी आनी चाहिए. यू नो यू कैन ऑलवेज नॉट बी फॉन्ड ऑफ पीपल दैट यू वर्क विद, बट मे बी शायद एज अ टीम अगर हम काम कर रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वाई नॉट. निमृत, आपके और शिव की मैं बात करूँ, जिस तरह आप टेलीविजन पे भी देखते थे, जिस तरह की दोस्ती है, प्योरिटी दिखती है उस दोस्ती में, आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कभी काफ़ी सपोर्ट किया और प्रेम में काफ़ी अच्छे आप दिखते हो. अगर कभी मौका मिला कोई एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग या फिर कुछ और, करेक्ट, तो अगर किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना पसंद करोगे शिव के साथ? आई थिंक आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ अ वेरी जो हमारी फ्रेंडशिप को जस्टिस दे. लाइक अगर जैसे आप सॉन्ग की बात कर रहे हो तो
आई नो सबके अपने अपने परसेप्शन है कि क्या ये लोग डेट करें, क्या ये है, क्या वो है. नहीं, मतलब वो जो एक प्योरिटी है, एक बचपना है, उस यू नो मुझे उसको, उसके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में आ गई हूँ. मेरा कोई वो पंटर दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बडी मेरा. तो दैट्स द काइंड ऑफ वाइब दैट वी शेयर. सो या आई वुड लव टू डू समथिंग विच जस्टिफाइज आर फ्रेंडशिप ब्यूटिफुली. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. It's so hot all of a sudden.